सो गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो होने वाला है एक ब्लेज टावर के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत दिन हो गए, सब पूछते हैं कि आपका ब्लेज कैसा है। तो फिलहाल अभी मैं अपने खेत में आया हूँ। यहाँ क्या है ना, सरसों देखो सारी कट चुकी है, और ये हमारा जो बंटू है सरसों अभी इकट्ठा कर रहा है, बोझ बना के घर ले चलेगा। और आज मैं आपको पूरा ब्लेज टावर दिखाऊँगा, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। फिलहाल अभी हैं अपने घर पर, और आज है दीवान साथ में, आज छुट्टी है बच्चे की। ये बैठा है इधर, इधर आ, ये देखो ये खेल रहा है जीरा। बहुत दिन बाद आज ब्लॉग वीडियो शूट हो रही है ना देवांश है। अभी तो अपन चाय पी के तो रेडी हो चुके हैं। आज ये बताएगा सारा चीज़ कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, ये बताएगा सारा, आज ये एक्सप्लेन करेगा, है ना? तू करेगा ना? हाँ, करेंगे। गाइस, थोड़ी थोड़ी सरसों कट चुकी है ना देवांश? हाँ है। अभी और कटने के लायक है ना, अभी छोड़ दिए हरी हरी जितनी भी है। और भाई ये देखो, अभी उस खेत में वो बाकी है। हाँ, उधर भी बाकी है। ओ भाई ये देखो, ये है आम का बगीचा। यहाँ भाई साहब गर्मी में बहुत मजे आते हैं आम खाने में, है ना देवांश? हद से ज्यादा भाई यही मजे आते हैं, बड़ी सुकून मिलता है आम खाने में। इधर तो एक महीने बाद फिर आम ही आम मिलेंगे। गाइस देख सकते हो, ये है अपना गांव, कितना बड़ा गांव है। वैसे भी यहाँ बहुत मज़ा आता है वैसे रहने वहने में। ओ भाई देवांश देखो, गोली खेल रहा है। और भाई साहब ये हमारा दूसरा टिब्बल है, यहाँ देखो गाय बांधी है अपनी, और छोटा वाला ये देखो सो रहा है। एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, एकदम शांति है कि नहीं? शांति, बिल्कुल शांति, कुछ नहीं, ना शोर शराबा कुछ नहीं, बहुत शांति रहती है इधर हद से ज़्यादा। गाइस देखो पपीते कच्चे कच्चे, लेकिन अभी खाने लायक नहीं है। सो गाइस, ये है हमारा घर जो नदी के इस पार पड़ता है, मतलब थोड़ा दूर है ये, लेकिन अब देखो शादी वादी भैया की हो गई और घर भी अच्छे से तैयार हो चुका है, और देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है। आज हमें पूरा दिन इस बाइक में बहुत ज़्यादा ही टाइम हमारा वेस्ट हुआ है, लेकिन कैसा भी हुआ है सबसे ज़्यादा एसी के ऊपर हुआ है। और ज़्यादातर हम लोगों ने ये हेडलाइट लगवा ली है, और ऊपर से ये कवर भी, एंड स्टिकर महाकाल जी का, एंड पीछे भी इंडिकेटर लगवाया गया था, और इसमें भी कवर और सब अच्छे से पैक करवा लिया था। और कुल मिला के इसमें हमारा 2500-3000 रुपये का खर्चा आ गया था मिनिमम। और इसमें हॉर्न भी लगा था ना, एक्चुअली क्या है ना, हॉर्न चल मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसमें भी थोड़ा बहुत नई बैटरी लगी है। एंड नीचे वाला भी हॉर्न जो है ना, उस वो भी नया लगा हुआ है। एंड और ख़ास कुछ लगा नहीं हुआ है, बस थोड़ी गंदी हो चुकी है, कैसी भी हो वो तो धुल जाएगा, उसे कुछ टेंशन नहीं है। बात ये है ना, रास्ते में नदी पड़ती है, तो सोचा नदी में ही क्रॉस कर लेते हैं। रास्ता क्या है ना, नज़दीक पड़ा, शॉर्टकट रास्ता था वो। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो कितने सारे मोर देखो उधर नाच रहे हैं। फिलहाल तो एक ही मोर नाच रहा है, वो बड़े चुपके से दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ पे तो कितने सारे मोर अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर उन्हें देख गया है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो नाचना छोड़ देंगे। ये है हमारे गांव की खासियत। और भी यहाँ बहुत सारे मोर आते जाते हैं, सुबह शाम डेली आते रहते हैं 24 घंटे। अगर मैं उसके पास चलूँगा तो वो उड़ जाएगा, इससे बेहतर ऐसे ही देख लो आप। और तो कुछ दिखाने लायक तो है नहीं यहाँ पे कुछ खास, और जो खास था मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। अब जैसा भी लगा होगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो, फिर बाद में कमेंट करते हो लास्ट टाइम। तो वैसे अभी यहाँ पे और भी चीज़ दिखाता हूँ। देवांश तो अपने कोचिंग गया शायद पढ़ने उन्हें, तो उसका पता ही नहीं है कब आए कब ना। वैसे गाँव वैसे जानते हो, यहाँ पर रात में वीडियो अच्छे से शूट तो हो नहीं पाएगी, लेकिन ट्राई करूँगा अगर मिल जाएगा मौका तो। और सब तो उस वाले इंजन पे, मैं भी यहाँ वाले पे हूँ जो बगीचे में इंजन है, आप देख सकते हो जस्ट ये रहा इसके बगल में। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। वैसे जो इंजन चल रहा है ना ये चक्की, ये है गेहूँ वाली चक्की,
इससे हमें ना ये पता चलता है, ये भी एक खासियत थी इसकी, मैंने आपको बताई नहीं थी, बट इससे क्या है ना कि इसमें ट्यूब चल जाता है, यहाँ चक्की चल गई समझो, टाइम पता चल जाता है यहाँ इतना टाइम हो गया है, टाइम चलती है चक्की। वैसे गाइस देख रहे हो आप लोग, मैंने आपको शायद अगली वाले वीडियो में देखो चने के साग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े हो गए, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक देख रहे हो खूब बोया हुआ है, और बहुत खाने में मज़ा आया था इस बार, क्योंकि पहले छोटे थे तो कम स्वादिष्ट था, लेकिन इस बार हद से ज़्यादा बहुत स्वादिष्ट था। देखो मोर जा रहा है, वो देखो नाच लिया अब जा रहा है, क्या हो गया गाइस देखो ये आ गया मेरे पीछे पीछे, ये है सबसे बहादुर शेर, ये घर की रखवाली करता है, यहाँ घूमता ही रहता है बगीचे में, आजा 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 आजा, बड़ा प्यारा है ये, इससे बढ़कर कोई है ही नहीं है यहाँ पे, चल तू आगे चल पहले, देखो रुक गया ना, बहुत प्यारा है ये, साथ चलता है मेरे, आजा 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 आ इधर आ, ओ क्या हो गया, ओहो हो इसमें चोर चिपक गए हैं, ओह होए होए छुड़ा ले छुड़ा ले, बहादुर कुत्ता है अपना, छुड़ा ले छुड़ा ले छुड़ा ले, ओ ये गया कहाँ, ये आके आगे खड़ा, चल तू ही आगे चलेगा, ओ भाई मेरा रास्ता मत रोक, हट मुझे जाने दे। भाई साहब ये बेल खाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखो ये पूरे तरीके से पका हुआ है, अभी अभी मुझे मिला यहाँ पे, और सामने पेड़ भी है ना, यहाँ पे इतने सारे बेल ही बेल हैं, लेकिन जो पका होता है ना ऑटोमेटिक गिर जाता है, जैसे कि ये वाला। सबसे अलग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ ये, जो कि इस कद्दू को ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं सब्जी में खाने होने के लिए, इसकी छोटी छोटी पता कोहनी बनती है, एंड ये एक फल है, ये भी एक पेठे में ज़्यादातर खाने होने के काम आता है, और बस इतना ही।